सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस एफएल सपोर्ट। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे भी किसी प्रोजेक्ट को MP3 में आप सेव कर सकते हैं, वो भी अपने एफएल स्टूडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तब तक मेरा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा रेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मेरा प्रोजेक्ट जो है रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इसमें वोकल मैं नहीं लगाया हूँ, वोकल आप लगा लीजिएगा, या फिर आपको वोकल लगाने नहीं आता होगा अपने नाम का DJ वॉइस तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो ला दूँगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव एज करना है, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट R प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और R। देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे पहले क्लिक करना होगा मुझे, कंट्रोल शिफ्ट और R प्रेस करते हैं और देखिए ऐसा कुछ फाइल खुल कर आ चुका है। अब अपने डेस्कटॉप पे चाहे सेव करना चाहते हैं या फिर कहीं और, या फिर अपने सिस्टम सी में या फिर डी में, डिस्क डी या फिर सी में, कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। तो मुझे डिस्क डी में सेव करना है या फिर डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं कुछ जैसा भी हो आपका, मेरा तो DJ गोलू डाल देता हूँ, DJ गोलू सिमरा। चलिए ये तो हो गया, अभी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ MP3 पे ही रहने देना है। अगर देखिए यहाँ पे एंटर या फिर सेव प्रेस करते हैं तो ऐसा सेव हो जाएगा। अभी देखिए इसको कैंसिल करता हूँ और फाइल के ऑप्शन पे जाकर और सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ फिर से इसका नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं। पहले तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, फिर यहाँ पर इसका नाम दे देना है, कुछ भी दे देते हैं जैसे कि ऐसा कुछ हो गया। अब चलिए यहाँ पर अब सेटिंग क्या करना है, FL स्टूडियो सॉन्ग FLP फाइल है तो यहाँ से लाना है MPEG 3 और ऑडियो फाइल MP3, इस पर क्लिक कर देना है, फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल कर आएगा, तो यहाँ पे कुछ करना है, MP3 रहने देना है, MP3 आप में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा और यहाँ से चाहे तो इसका कैपेसिटी जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से कुछ खींच कर 320 कैपेसिटी पर भी इसको सेव कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 32 पॉइंट है, मतलब कि आपका जो लैपटॉप होगा 32 बिट का होगा तो यहाँ पे 32, और 64 का होगा तो 64 बिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इस सब का सेलेक्ट हो गया है। तो चलिए ये तो ओके है, अभी यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे हाई HQ फॉर ऑल प्लगइन्स रखने देना है और डिसेबल मैक्सिमम ये कुछ है देख लीजिएगा अपना सेम ऐसे ही, और स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अभी देखिए स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ से देख लीजिए मेरा सर्कल जहाँ से है यहाँ तक फुल हो जाएगा 109 तक, तो देख लीजिएगा ये आपका जो भी सॉन्ग है वो सेव हो जाएगा। ये देखिए 2% सेव हो चुका है, तो दिखाता हूँ आपको पूरा सेव हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि इतना सारा प्लगइन्स बोल रहा हूँ, यहाँ से इतना सारा प्रीसेट जो हमने यूज किया है इसमें लगाया है वो सब यहाँ पे सेव होता है एक एक करके, तो वैसे ही सेव होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारा वीडियो बोल रहा हूँ जो सॉन्ग है वो सेव हुआ है। ओके, तो गाइस देख सकते हैं 107 पॉइंट हो चुका है, 109 भी हो गया। अभी देखिए कुछ ट्यून जैसा बजेगा, टीम टोन ऐसा कुछ बजेगा, देख लीजिए, देखिए बच गया। और हमारा जो भी ये प्रीसेट ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो वाला प्रोजेक्ट जहाँ आपने सेव किया होगा वहाँ चला गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया था वो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे ये सेव होकर गया है, ये देखिए ये वाला रहा, यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला है जो हमने सेव किया है। इस सॉन्ग को प्ले करके थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ आपको, देखिए इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा कंप्यूटर भी थोड़ा सा, देख लीजिए अभी ये सॉन्ग बजेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको मिनिमाइज करना चाहे तो मिनिमाइज करके ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर कट करके चाहे तो कट कर भी
कर सकते हैं। तो मुझे अभी मिनिमाइज ही करके रखना है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में और भी जानकारी बोल रहा हूँ, और भी इसमें एडिटिंग करना है, इसमें अभी अपना वोकल भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।